हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं आप लोगों के सामने बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ, वो है पनीर कद्दू की रेसिपी। चलिए फ्रेंड, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं नए नए मज़ेदार रेसिपी लेके आऊँ। पनीर बनाने के लिए हमने लिया है कद्दू, कद्दू को काट चुके हैं, और हमने लिया है ये प्याज। प्याज की कलियाँ को हमने एक एक करके छुड़ा लिया है, और यहाँ पर पनीर है। अब पनीर को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। मैं पनीर काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारे पनीर को काट लिए हैं, प्याज लिए हुए हैं, और मैं इसको काटूंगी लंबा लंबा। ग्रेवी बनाने के लिए मैं काट रही हूँ आज, काट के अब तैयार है फ्रेंड्स। अब देखिए आगे का प्रोसेस। इसको ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ साथ में कद्दू को भी ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ एक बड़े साइज का हमने टमाटर लिया था, उसको भी ग्राइंड कर लिया है। इसको पकाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, और जैसे कढ़ाई गर्म होगा तेल डालेंगे। तेल हमें ज़्यादा ही डालना, क्योंकि हमें प्याज को भी फ्राई करना है, साथ में पनीर को भी फ्राई करेंगे। हमने जो प्याज की कलियां अलग किया था ना, उसी को फ्राई, आप लोग देख सकते हैं। अब प्याज को फ्राई कर रही हूँ, मीडियम आंच पर ही फ्राई करें, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सॉफ्ट होने देना है, हमें हल्का सॉफ्ट होने देना है, हमें कलर नहीं चाहिए। 30 सेकेंड तक फ्राई करना है। हमारा प्याज तैयार हो गया है, अब इसको निकाल रही हूँ। ये फ्राई करूँगी, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का फ्राई करना है, 1 से 1.5 मिनट तक ही हमें फ्राई करना है। तैयार हो गया है, अब इसको निकाल रहे हैं, बस हल्का ही हमने फ्राई किया है, हमने कोई कलर आने नहीं दिया है। पनीर को हमें पानी में डुबो कर ही रखना, इसे पनीर सॉफ्ट ही बना रहा है। हमने वही तेल यूज किया है, मैं वो तेल को वेस्ट नहीं करूँगी। अब तेल गर्म होने दे रही हूँ, तेल गर्म हो जाएगा मैं बड़ी इलायची डालूँगी। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब इलायची डाल रही हूँ, साथ ही जीरा, 1 छोटी चम्मच जीरा डाल रही हूँ। और 2 ठो दालचीनी, काला मिर्च, और साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही डाल रही हूँ रेड चिल्ली। इलायची डालने से बहुत ही अच्छा सब्जी में फ्लेवर आता है दोस्तों। अब हमारा साला मसाला फ्राई हो गया है, और अब मैं डालूंगी टमाटर। एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए डाला जाता है दोस्तों, ये तीखा नहीं लगता है। फ्राई हो चुका है, अब डालेंगे प्याज, जो पेस्ट तैयार किए थे ना वही प्याज। साथ ही डालेंगे कद्दू, हमने इसको पहले ही पेस्ट तैयार करके रखा था। तक हो गया है, अब डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे दोस्तों। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कितना अच्छा कलर दिख रहा है, कितना अच्छा फ्राई हो गया दोस्तों। डालने से स्वाद बढ़ता है दोस्तों, और सारे परिवार खा के खुश हो जाएंगे। आप लोग भी ऐसा बना के ट्राई कीजिए, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है।
हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। हमें सारे पेस्ट को अच्छा सा भूनना है, उसके बाद पानी डालेंगे। जब मेरा बढ़िया से भून जाएगा तो अब अच्छा से भून लिया है फ्रेंड, अब पानी मिलाऊंगी। पानी हमें उतना ही डालना है जितना हमें कढ़ी चाहिए, स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बना रही हूँ, जिसे मैं रोटी के साथ ले सकती हूँ। पुलाव बनाने के लिए आप ज़्यादा पानी ले सकते हैं। करी पकाना है, देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स। अब हम पनीर डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे कच्चा मिर्च। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे, हमें ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं रखना है। डाल देंगे प्याज, जो फ्राई किए थे ना वही प्याज डाल देंगे। अब हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब इसको ढक देंगे 2 या 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तक पका लिया है, देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, कलर भी कितना अच्छा है। अब लास्ट में डालेंगे पनीर मसाला। और साथ ही धनिया पत्ता। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छा से। देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है, आप लोग भी ऐसा ट्राई कीजिए। अब हमारा पनीर रेडी है, अब गैस को बंद कर दूंगी। हमारा पनीर अब सर्व करने के लिए तैयार है। अब इन पनीर को रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। आप लोग भी ऐसे घर पर बनाइए और खाइए, बाजार से खरीदने का जरूरत भी नहीं है। देख सकते हो कितना अच्छा है और खाने पर बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर रेसिपी पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसे लगा।